तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और मैं लेकर के आया हूँ गाइस। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो आज का जो हमारा वीडियो है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आज को जो आपने देखा है, टाइटल में देखा आपने कि ओप्पो के जो फ़ोन है 53, जो अनलॉक टूल का अपडेट, अपडेट तो कल UMT से भी हो रहा है। सारा कुछ है यहाँ पे अपडेट, विद प्रैक्टिकल। तो मैं अभी नहीं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या क्या अपडेट है, क्या नहीं, कैसे आपको करना है सारी चीज़ें। तो चलिए मैं फटाफट अपने वीडियो के कंटेंट में आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज का हमारा वीडियो क्या है। अनलॉक टूल का अपडेट आया है, जो कि अनलॉक टूल काफ़ी अपडेट कर रहा है अपने आप को, हर एक दिन अपडेट कर रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके अपडेट के बारे में बता दूं। तो देखिए, अनलॉक टूल जो इसका वर्जन अभी आ गया है, रिसेंटली अपडेट आ गया, आज ही अपडेट आया हुआ है इसका। तो ये ओप्पो के जो फ़ोन है, जो पहले क्वालकॉम सीपीयू के जो फ़ोन थे, वो फॉर्मेट नहीं हो रहे थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, लोडर नहीं था। अभी इसका लोडर भी आ चुका है प्रॉपर तरीके से, जिससे आप UMT से भी उसको हटा सकते हैं। UMT में भी वहाँ पे आप जाएंगे तो उससे भी आप UMT से भी हटा सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूँ यहाँ पे अनलॉक टूल की, तो अनलॉक टूल में कोई भी फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अभी आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। तो जब तक ये हो रहा है, तो मैं फिलहाल इसको अनलॉक टूल को ऑन कर देता हूँ। उधर मैंने भी इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया है। और आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल और सिंपल, आप यहाँ से भी गेट लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी unlockedtool.net के साइट पे भी जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा है, हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको ओपन होने देते हैं। तो गाइज, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओप्पो A53 CPH 2127 टेस्टेड। यहाँ पे इसकी FRP, फॉर्मेटिंग, कीप डाटा, यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। मतलब पहले इसका लोडर नहीं था, क्वालकॉम सीपीयू का लोडर नहीं था। अभी यहाँ पे क्वालकॉम सीपीयू का लोडर आ चुका है, जिससे आप इंजॉय कीजिए। और जो ऑनलाइन कराते थे आप, उसको या तो आपको ISP पिन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं अनलॉक टूल से। तो ये अनलॉक टूल हमारा अगर कभी ना खुले, तो ये भी छोटा सा एक सोल्यूशन है गाइस, कि आप इसको जिप में बना ले। कभी ऐसा केस हो मेरे जैसा, अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको फिलहाल क्या कर लो, इसको जिप में बना लो। जैसे कभी हमने खोला नहीं, ओपन हुआ था गाइस, तब आपको क्या करना है कि आपको इसको जिप में बनाने के बाद, इसको डायरेक्ट यहीं से ओपन करना है। फिर आपको मैम देखेंगे कि इसके अपडेट क्या हुआ है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, अपडेट वीडियो है, कि अगर आप क्वालकॉम सीपीयू, पहले लोडर नहीं था, धीरे धीरे सारे लोडर यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जिप में बन गया। जिप में बनने के बाद गाइस, अब इसे हमें इससे ओपन करना है, जो हमारी जिप वाली फाइल है, हमें जिप वाली फाइल को खोलना है। तो मैं यहाँ पे जिप वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली अंदर, जैसा मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी देखने को मिल सकता है। जनरली सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी सेट में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिलहाल देखिए, मैंने अब वहाँ पे जिप में बना के इसको खोला हुआ है। तो ये जो अपडेट आया है, बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो चलिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक टूल खुल गया। इसको आप सिंपल और सिंपल कर लेना है, लॉगिंग आपको लॉगिंग कर लेना है गाइज। लॉगिंग करने के बाद मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि ऑप्शन ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं गाइज। तो जो जो यहाँ पे मॉडल है, उन्होंने बताया है कि ऐड किया हो गया है यहाँ पे A53, A74, F19, F19S, F17, ये सारे फोन्स क्वालकॉम सीपीयू के हैं और इन्होंने ऐड कर दिया गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये अपडेट हमेशा, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ऐसे नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे गाइस। और मैंने इससे पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने अनलॉक टूल का फुल गाइड वीडियो डाला हुआ है, इससे जस्ट पहले आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं, या आई बटन में आपको मिल जाएगा अनलॉक टूल का मीडियाटेक जो सेक्शन है, ये जो मीडियाटेक का सेक्शन है, मैंने इस पे फुल वीडियो बनाया हुआ है, एक एक ऑप्शन का वीडियो बनाया हुआ है गाइस, जिसमें आप इसको देख करके हर एक चीज भी प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम सीधा जाते हैं अपने ओप्पो में जाते हैं। ओप्पो में जाने के बाद अपना जो मॉडल है यहाँ पे, अब ये रिसेंटली अगर हमारे पास फोन आ जाता है 1-2 दिन के अंदर में गाइस, तो इसी का मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास अभी कोई फोन नहीं है, अपडेट आया हुआ था तो हमने अपडेट कर दिया। अगर आप भी इस पे करिए, काम करिए, अगर आपका काम होता है तो प्लीज, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है सारा कुछ। तो अगर आपका काम होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वर्केबल है या नहीं है, क्योंकि अगर वर्केबल नहीं होगा तो मैं फिर भी और भी आगे आपको देखता रहूंगा टेस्टेड वीडियो लाने के लिए। फाइल वाली जो वीडियो, फाइल से कैसे अनलॉक करते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं A53, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट अगर मैं सर्च कर लूँ A53,
यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो ADL लिखा हुआ है ये क्वालकॉम फोन है, और जो ऑथ लिखा हुआ है ये आपका मीडियाटेक सीपीयू है, ये भी जो आपका लिखा हुआ है ADL है, ये आपका मीडियाटेक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPH हमारा जो है यहाँ पे 2127 है, यहाँ पे 2020A53 2020, ये देखिए ये वाला फर्स्ट वाला। तो ये ऑप्शन इन्हों पे यहाँ पे आ गया है। कीप डाटा सेव फॉर्मेट का भी ऑप्शन आ रहा है, मतलब इससे जो ऑप्शन है गाइज ये विदाउट डाटा लॉस, मतलब कस्टमर का डाटा भी आप बचा सकते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करें गाइज यहाँ पे। तो जो लिखा हुआ है कीप डाटा या सेव फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है और कीप डाटा लिखा हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग करेगा। अब मैं दूसरे मॉडल की ओर देख लेता हूँ, क्या दूसरा मॉडल भी ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो A74 में ये देखिए क्वालकॉम A74 EDL जितना भी लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था गाइज, इस सारे क्वालकॉम सीपीयू हैं जो कि इन्होंने ऐड किया हुआ है लोडर यहाँ पे। तो देख सकते हैं A74 यहाँ पे 2021 यहाँ पे 2021 यहाँ पे भी कीप डाटा का ऑप्शन आ रहा है। फैक्ट्री सेट है, अगर मान लीजिए डाटा नहीं बच रहा है तो आपको फैक्ट्री सेट करना है जिसमें आपका डाटा पूरा लॉस हो जाएगा। उसके बाद F19 अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे F19 की बात करूँ तो F19 यहाँ पे देख सकते हैं। तो F19 भी EDL है और F19 प्रो 5G मीडियाटेक सीपीयू है। तो F19 भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया है। तो आई होप ये छोटा सा अपडेट वीडियो था, और इसकी फुल गाइड वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे आई बटन में जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ऐसे ही नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सारे ऑप्शन जो भी ये जितने मॉडल दिखाई दे रहे हैं ये ऐड हुए हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे पास जो भी फोन आएगा लेटेस्ट फोन, मैं आपको वहां पे अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।